नासिर गांव की सालाना इज्तमाई दावत में पहुंचने के रास्ते में था। उसको किसान इकबाल मिला और उसने उन्हें कुछ मूंगफलियां दे दी और कहा, ये आपके सफ़र के लिए हैं। नासिर ने जवाब दिया, मुझे एक अजीम दावत पर बुलाया गया है। एक खुली आग पर गोश्त के टिक्के बन रहे होंगे, बहुत बड़ी देहों में चिकन कढ़ाई बन रही होगी और मीठे के बहुत सारे इंतखाबात होंगे। मुझे आपकी मूंगफली की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मूंगफली को कीचड़ में फेंक दिया और चला गया। थोड़ी देर के बाद नासिर दरिया जेहलम के किनारे पहुंचा और उसने देखा कि मामूल से कहीं ज़्यादा तेज़ और तूफ़ानी दरिया बह रहा था। वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो इस पुल को पार कर पाता। पुल लहरा रहा था और नीचे पानी से टकरा रहा था। उसने दरिया के करीब जाकर एक और मोड़ से इसको पार करना चाहा, मगर वो मज़ीद वसी होता गया। आखिर में उसको एहसास हुआ कि उसका कोई इख्तियार नहीं है, उसे घर वापस ही जाना पड़ेगा। शाम बहुत हो चुकी थी जब वो अपने रास्ते पर वापस आ रहा था। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। इस वक्त वो मूंगफलियों को याद करने लगा जिसको उसने पहले ही फेंक दिया था। अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उनको कीचड़ में से एक एक करके चुने और रात में खाने के लिए इस्तेमाल करे।